भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, आज बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनी और स्कूल के समय सेना के अनुशासन को देखा, जिसका असर उनके मन मस्तिष्क पर भी रहा। उन्होंने हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को ठुकरा कर अपने देश के लिए सेवा देने को महत्व दिया और 1996 में CDS के जरिए उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13th जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ और भी प्रशिक्षण लिए। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम्प व राकीनाव जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। श्रीनगर लेह मार्ग के ऊपर लगभग 5,140 फीट ऊंचाई पर एक महत्वपूर्ण चोटी को जीतने के बाद उन्हें शेरशाह व कारगिल का शेर जैसी संख्याएं भी दी गईं। इसके बाद उनका अभियान लगभग 4,875 फीट ऊपर मौजूद चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, मिशन पूरा ही होने वाला था तभी एक विस्फोट से अपने साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वे आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में लगी। इसमें लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन वत्रा शहीद हो गए। उनके पराक्रम, शौर्य और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हम टीम मिक्स्ड माइंड्स की ओर से उन्हें और उनके साथियों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।